हम कल बूस्टर ऐप को देख रहे थे। बूस्टर ऐप एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि आप HTML डिजाइन करते हैं तो वो डिफरेंट वेब पेजेस जो हैं वो हर जगह पे डिफरेंट लुक देखते हैं आप लोग के, मोबाइल पे मोबाइल जैसा, टैबलेट पे टैबलेट जैसा, फोन पे लाइक आपका PC है तो PC पे वैसा। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपकी जो वेब है उसके उसको मॉडिफाई करता है, उसके कोड को अकॉर्डिंग टू ब्रोज और डिवाइस। ठीक है, जैसे आपकी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपका लुक जो है HTML का डिजाइन है वो आपको नजर आएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए लिखा भी हुआ है, बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क व्हिच यूजेस HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर दी वेब डिजाइन। ठीक है, कंबाइन इसको करके जो है वो यूज किया जाता है, मतलब जिसमें बूटस्ट्रैप में सबकी लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ये बना हुआ है, एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, एक लाइब्रेरी बनाई हुई है ऑलरेडी। आप उसको डाउनलोड करते हैं बूटस्ट्रैप को, अगर आप लिखे हैं बूटस्ट्रैप न्यू वर्जन जो भी होगा उसको डाउनलोड करें, उसमें आपकी HTML की फाइल भी होगी, उसमें आपकी CSS की फाइल भी होगी, उसमें आपकी .js की भी फाइल होगी। ठीक है, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी बनाई गई है उससे रिलेटेड। आप तो बस क्लासेस यूज करते हैं, एम्बेड तो हुआ हुआ है वो, बाकी ये देखे बता रहा है बूटस्ट्रैप डॉट CSS, बूटस्ट्रैप डॉट JS, jQuery। ये कल भी मैं ये चीजें बता दी थी, लाइक ये देखें अटैच की है, ये CSS बूटस्ट्रैप की फाइल है। ठीक है, ये आपकी वो स्क्रिप्ट उसकी है, jQuery की फाइल है अटैच की, बूटस्ट्रैप की फाइल अटैच की हुई। हाँ जी, CDN के बारे में बता रही थी कि मैं जो भी जावा स्क्रिप्ट और CSS को कंबाइन करके डिफरेंट आपकी कोडिंग का मेथड होता है, डाउनलोड फाइल करते हैं, लिंक्स फाइल्स करते हैं, उसको कंबाइन करके जो है वो CDN मेथड कहा जाता है। ठीक है जी, कल भी इसके बारे में बताया था। अच्छा जी, कंटेंट डिलीवरी मेथड जो है, अब ये क्या चीज़ है, कोई भी वे जो भी फाइल वगैरह ऐड करते हैं हम, हाँ, वो CDN के मेथड से करते हैं, कंटेंट डिलीवरी मेथड से ना। तो यही बता रहा है कि ये जो इस तरह आपने ऐड किया लिंक, ये पूरे के पूरे बूटस्ट्रैप को उठा लिया, सिंपल एक लिंक ऐड किया, ये CDN मेथड जो है वो ऐड कर दिया, इस तरह jQuery की फाइल डायरेक्ट उठा ली। या फिर आप इस तरह कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड करें बूटस्ट्रैप और उसकी फाइल ऐड कर लो, या फिर इस तरह कर लो, है तो बूटस्ट्रैप ही है ना। चेक सेटअप, आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट जो है वो बना रहे हैं उसका सेटअप कैसे करेक्ट है, कोड करेक्ट है, वो आपने चेक करना है, लाइक डॉक डॉक टाइप है, HTML टाइटल, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, लिंक ऐड किया हुआ और कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर आपकी डिव्स लगाई हुई है डिफरेंट, ये जो चीजें हैं ये वाली क्लासेस एक्चुअली, बटन सिंपल, बटन सक्सेस, ड्रॉप डाउन टूल, ये जो टाइप बटन, ये तो टाइप सिंपल बटन है, आईडी दे दिया है, ड्रॉप मेन्यू डाटा टूल दे दिया है, ड्रॉप डाउन, ये आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है। आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी कनेक्ट करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी कनेक्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली जब आप क्लासेस लिखते हैं तो वो वहां से खुद उसको गेट कर लेता है और वो आपको फंक्शन जो है वो शो हो जाता है। स्पैन टैग लगाया हुआ, डमी टैग लगाया हुआ है, ठीक है जी, बस एक बटन है, बटन के अंदर उसने एक कैरेट क्लास दे दी है, लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट बनाई हुई है, ऐसे शो होगा। ये देखिए ड्रॉप डाउन, ये जो आपका बटन लगा हुआ था, अच्छा उसके ऊपर जो कैरेट क्लास लगाई हुई है उसकी वजह से ये फिर ऐसा शो हो रहा है। हाँ जी, ग्रिडिंग सिस्टम होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। ग्रिड्स क्या होता है भाई, कॉलम्स, डिवीजन, सेल बना देना। ग्रिडिंग में फॉर्म बड़ा काम आसान हो जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रेंज है मुझे क्या पता, अब मैं इतने कॉलम्स को रिजर्व कर देती हूँ, इतनी ग्रिड्स, इतनी रो जो है उसको ये क्लास दे दो, कॉलम इतने दे दो, ठीक है, स्मॉल कर दो, मीडियम कर दो,
तो ये होता है आपका ग्रिड सिस्टम। ग्रिडिंग में काम बड़ा आसान होता है। बूटस्ट्रैप डिवाइड ईच रो इनटू 12 कॉलम, तो 12 12 कॉलम होते हैं, ठीक है, टोटल 12 कॉलम। द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द कॉलम, ठीक है। अब ये देखें, ये कमांड्स हैं इसकी, कॉलम लार्ज के लिए 4, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इट विल सिलेक्ट 4 कॉलम। ये जो चीज है इसने सिलेक्ट किए कितने कॉलम, 4 कॉलम। चूज एनी नंबर बिटवीन 1 to 12, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। द एलजी स्टैंड फॉर लार्ज स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन के कॉलम के लिए। मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, कॉलम लार्ज ऑफ सेट 4, मतलब ये क्या करेगा, स्किप फर्स्ट 4 कॉलम कर देगा। ऑफ सेट का मतलब है बंद कर देगा, मतलब कि वो पहले 4 नहीं शो करवाएगा। जो सिमिलरली मीडियम यूज स्मॉल एक्स एंड, इसके साथ भी हम ऑफसेट यूज कर सकते हैं। ऑफसेट है वो तो हमने कहीं भी लगाना है, बस एक सीक्वेंस है वो आपने कहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखे, डॉट कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल फर्स्ट, फिर डॉट क्लास बनाई हुई है, क्लासेस सारी बनाई हुई हैं। इसने क्या करना है, एक कॉलम स्मॉल कॉलम शो करवा देना, दो करवा देना, तीन करवा देने, चार करवा देने, मतलब जितने होंगे कॉलम उतनी की जगह जो है वो रिजर्व कर लेगा। बैकग्राउंड कलर क्या कर दे इसका, ग्रीन कर दे। ये किधर कॉल हो रहा है, ये आपकी सी एस एस की फाइल है, स्टाइल शीट। आपने इंटरनल यूज की है ये सी एस एस अपनी ही एच टी एम एल की फाइल के अंदर, और उन्होंने कहा जितने भी कॉलम्स लगाए उन सब को बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दो, कलर वाइट दे दो, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, बॉर्डर इसका ये कर दो 1px, मतलब पिक्सल सॉलिड रेड। बॉर्डर की जो बॉर्डर की रेंज है ना, जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये वाला बॉर्डर, हाइट उसकी दे दो इतनी, टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, सारा का सारा टेक्स्ट जो भी लिखा है वो क्या कर दो, सेंटर में कर दो। नीचे ये देखें, यहाँ पे डिव बनाई हुई है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी सी एस एस की कोडिंग की हुई है, यहाँ से ली है ये 2, 4, 6, ठीक है। यहाँ से इसकी जो है सबको जो है ये वाला कलर और बैकग्राउंड बॉर्डर ईटीसी हो जाएगा। ये देखें ऐसे, देखें 2 और 4 की ये हो गई कॉलम, मीडियम एक्स्ट्रा स्मॉल 4 इसकी, 6 और 4 इसकी हो गई, और बाकी इसकी होगी, क्योंकि आपने जैसे लगाया वैसे ही काम करना है ना। ये पहला इसका है, दूसरा इसका है, और जो तीसरा वाला है वो इसका पोर्शन। जितनी उसकी विड्थ होगी उतनी ही उसने लेनी है, तो मिड वाले की जो है वो सबसे ज्यादा है, और आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा ही है। जैसे ये दूसरा देखें, उसके बाद कितने थे टोटल नेस्टेड कॉलम्स, कॉलम के अंदर कॉलम, क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं जब हम कुछ भी वो पहले वाला काम भी कर सकते हो, तो नेस्टेड कॉलम इफ के अंदर, इफ नेस्टेड, इफ नेस्टेड लूप, तो ये सारा कुछ कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है। एंड इनफैक्ट हमने तो नहीं किया ये, आपके एम्बेड जो है वो बैक एंड पे आपके बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है। डिव के अंदर डिव्स लगाई हुई है, देखिए डिव के अंदर डिव्स लगी हुई है। अब इसने क्या काम करना है, डिव्स के अंदर डिव्स लगी होती हैं तो वो आउटपुट कैसे शो करवाता है, डिव्स के अंदर डिव्स, जैसे हम टेबल के अंदर टेबल बना देते हैं ना रोज और कॉलम, इसने वैसे शो होना। ऑफसेट का मैंने बता दिया, जितना आप ऑफसेट यूज करेंगे उसने क्या करना है, आपके उतने कॉलम को हाइड करके बाकी शो करवा देना है। जैसे ये कितने किधर गया, टोटल 12 होते हैं ना, 8, 9, 10, 11, 12, ये दो किधर गए, ऑफसेट के अंदर चले गए। हाँ जी, कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप के एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप ग्रिड अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसके कंपोनेंट टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इशू नहीं है आपको, मतलब इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, जब चाहे आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसके कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं। आपने एक लिंक लगाना होता है, दैट्स इट, और क्लासेस यूज करनी होती हैं। लेबल्स,
लेबल्स आप वो जो आपके बटन्स वगैरह के थे, बटन में भी हम यूज करते हैं वैसे सिंपल, अगर आपने देना हो डेंजर है, डिफॉल्ट है, इन्फो है, प्राइमरी है, सक्सेस है, वार्निंग है, जेक्यूरी में भी कल आप लोगों ने देखे थे, ये सिंपल लेबल दिया हुआ एग्जांपल शो की हुई है, ये आपकी इन्फो इन्फो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बटन्स, बटन्स में भी वही कैटेगरी आती है, बटन में ये चीज आती है, बटन एक सिंपल बटन होता है, एक टाइप सबमिट होती है, बटन ने बटन शो करवाना, टाइप सबमिट ने उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो उसी से आपका जो डाटा है वो सबमिट होता है। प्राइमरी ये वाला साइन इन वाला, डेंजर रेड वाला, सबमिट, ये सारे एक जैसे यूज किए। सक्सेस है ना, सक्सेस सक्सेस, ये जो सक्सेस कलर है वो ग्रीन को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये देखें इसके साथ एक ट्रैश शो हो रहा है, ये कहाँ से आया, ये भी आपकी एक क्लास है। देखिए आप नीला पूछ रही थी कि ये कैस क्या स्पैन टैग क्या काम करता है, अब उस बटन के अंदर तो ये शो नहीं हो सकता, देखो डिलीट के बाद स्पैन टैग लगाया, स्पैन टैग ने ये यहाँ पे शो करवाया क्लास, ठीक है, उसके बाद ट्रैश यूज किए। फॉर्म्स होते हैं आपके, जैसे फॉर्म्स हम HTML में बनाते हैं, बूटस्ट्रैप की भी क्लासेस हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस का ये फायदा है कि सारी चीजें रिस्पॉन्सिव होती है, सारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन जाती है। फिर जैसे आप जहाँ जिस मर्जी डिवाइस पे ओपन करेंगे वहां पे वो वैसे ही रिस्पॉन्सिव जो है वो अपना रिजल्ट शो करवाएगा। ये इसकी क्लासेस हैं, क्लास रो कॉलम स्मॉल फाइव, मतलब के स्मॉल मीडियम जो है वो शो हो, फाइव बस स्टाइल दे दिया उसको, बैकग्राउंड, ये इन लाइन CSS यूज की गई है, ये वाली जो स्टाइल है इन लाइन CSS यूज की गई है, एक लाइन के अंदर ये सारे के सारे फॉर्म्स के टैग्स हैं। रोल क्या है, फॉर्म, ठीक है, जब आप रोल फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये अदर रो फॉर्म के तौर पर काम करेगा, सिंपल टेबल नहीं है। फॉर्म ग्रुप लगाना जरूरी है, ईमेल देनी है, ईमेल की एग्जांपल हो गई, जो भी आपने, प्लेस होल्डर ने क्या काम करना है मैंने आपको पहले बताया, ब्लर सा शो करवाएगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो प्लेस होल्डर गायब हो जाता है। आपने फॉर्म फिल किए ही होंगे, मतलब जब भी आप फेसबुक के ऊपर अप्लाई करते हैं, याहू के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ आता है तो वो गायब हो जाता है, वो एज अ प्लेस होल्डर काम करता है। पासवर्ड का हो गया, चेकबुक्स का हो गया, पूरे के पूरा फॉर्म जो है ना आपकी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बूटस्ट्रैप के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई हैं एज अ क्लासेस, बस आपको क्लासेस सीखनी पड़ती हैं और वो क्लासेस आपको प्रैक्टिस से आती हैं। बेसिक फॉर्म है ये, ईमेल का सिस्टम देखो, ऑटोमेटिकली ऐसे शो हो जाएगा फॉर्म। कलर तो खुद दिया है ना, आप इसकी विड्थ हाइट सारा कुछ सेट कर सकते हैं, ये वाले जो इनपुट बॉक्सेस हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म लगाना है, बाकी ये सारी चीजें वही हैं, हेल्प ब्लॉक ये वो, मतलब के ये आपकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ये सारी। कितने कॉलम किसको देने हैं, कितने कॉलम के लेबल्स के लिए देने हैं, इनलाइन फॉर्म हो गया, इनलाइन फॉर्म कैसे होगा, फॉर्म इनलाइन फॉर्म के अंदर फॉर्म ऐसे, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म की एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल शो हो जाएगा ऐसे, एग्जांपल ब्लॉक लेवल हेल्प देयर। इनलाइन फॉर्म क्या है ये देखें, ऐसे होगा, उसमें क्या था, और ईमेल ऊपर है, पासवर्ड नीचे है। इनलाइन फॉर्म एक ही लाइन में शो होगा, ये देखें। मॉडल फॉर्म होता है, बस एक पॉपअप विंडो अगर होगी, ये बस डिफरेंट व्यूज हैं कि आपके बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाइक क्या क्या क्लासेस हैं। ये देखिए पॉपअप विंडो शो होगी, ये डाटा टॉगल होगा, क्लास बटन, बटन एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब सक्सेस, उसके ऊपर क्लिक करें मतलब सक्सेस का बटन शो करवा रहा है ये। बाकी ये कोडिंग करनी तो आप लोगों को आनी चाहिए, लेबल देना है तो पासवर्ड का लेबल देने के लिए हमने लेबल टैग यूज कर लिया, इनपुट तो लाजमी लगानी लगानी है, ये चीज मत भूलना कि इनपुट के बगैर आपका फॉर्म काम करेगा, ठीक है। ये डिव्स के अंदर जो काम किया हुआ ना, बड़ा अच्छा जबरदस्त और मतलब जिगजैग फॉर्म में काम किया हुआ। ये फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, ये देखे ऐसे होगा, जब मैंने क्लिक किया ये वाला जो मॉडल फॉर्म का बटन लगा हुआ है इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे एज आ पॉपअप के ऊपर आपका फॉर्म शो हुआ। आप लोगों ने देखा ही होगा काफी इस तरह फॉर्म्स बनाते हैं, कोई बटन लगा हुआ है फॉर्म फॉर्म का, तो वो आपको कैसे शो हो रहा होता है,
पॉपअप के ऊपर आप वहां पे फिल करते हैं, तो ये पॉपअप है, ये हॉरिजेंटल है, ये इनलाइन है, ये मॉडल फॉर्म है, डिफरेंस आप लोगों के सामने है। बाकी उसी की कोडिंग है। हाँ जी, कंट्रोल साइजेस, क्या आपने साइज रखना है, जो भी आपके ऑप्शंस वगैरह है, लार्ज रखना है, स्मॉल रखना है, जितना भी आपने उसके ऑप्शंस का साइज देना है, कॉलम्स का साइज देना है, ग्रीडिंग का साइज देना है, ये वो सारी चीजें हैं। डिफॉल्ट तो इतना है, अगर आपने छोटा करना है तो आप उसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लाइक मुझे ये छोटी करनी है इसकी विड्थ हाइट, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये डिसेबल यूज करते हैं तो ऐसे होगा, इसको ये ब्लर होता है, इसके ऊपर आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, प्लेस होल्डर ऐसे शो होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं गायब हो जाता है। ये तो ऐसे है ना, दिस इज फोकस्ड, इसके ऊपर हम लिखेंगे, इसको रेज करेंगे तो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करते ही है ना ये गायब हो जाता है प्लेस होल्डर। ये फॉर्म के एलिमेंट्स थे, कंट्रोल साइज ये चीजें हैं, ये देखें, इनपुट लार्ज, डिफॉल्ट इनपुट, इनपुट स्मॉल, इन ऑप्शन वन, ऑप्शन वन मतलब कि ये चीजें आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और बटन्स हैं जो यूज किए जाते हैं, गेट मेथड्स आप लोगों को बता दिए, क्लास यूज की गई है, मेथड गेट और पोस्ट दो तरह के मेथड होते हैं, मैंने दो मेथड बताए थे ना, गेट और पोस्ट, फॉर्म में या गेट मेथड यूज करते हैं या पोस्ट करते हैं। गेट में क्या करना होता है, जो भी आपने डाटा अपने डेटाबेस में वैल्यू जाने के बजाय ना आपकी यूआरएल में लिखी आ जाती है, यूआरएल जो आपका गूगल का हो गया यूआरएल, जहाँ पे आप टाइप करके कोई भी चीज सर्च करते हैं। पोस्ट में क्या करना है, हिडन करके आपके डेटाबेस में वैल्यू सेव करवानी है, तो पोस्ट में हम जो है ना मेथड गेट चेक करने के लिए कर सकते हैं कि वैल्यू एंटर हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली हम पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं जब आपने पीछे वैल्यू सबमिट करवानी होती है। गेट भी करते हैं लेकिन हर जगह पे नहीं करते। हाँ जी, क्वेश्चन है, ये डिफरेंट बटन्स लगाए हुए हैं ऐसे, वही वाले जो आपको ऊपर बता के दे हैं, इनपुट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये इनपुट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मेथड है लिखने का, कैसे आप कोड करेंगे, ये डिफरेंट फॉर्म्स बना के उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो हर एक क्लास को अप्लाई करके देखना है, ये काम ऐसे ही आना है। ये इनपुट ग्रुप्स लगे हुए हैं, देखें डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये इसके ऊपर चेक लगे हुए हैं इनपुट ग्रुप्स, ये देखें एट द रेट ये से शो होगा, यूजर नेम, ये इनपुट ग्रुप लगे हुए हैं ये वाले। नेविगेशन बार, नेव बार, जो आप नेविगेशन बार बनाते हैं ये वाली जिस तरह बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करोगी वो आ जाएगा। आप तो खुद बनाते हैं ना इसमें, मतलब अच्छे तरीके से बन जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिव है आपको, लेकिन ये चीजें याद करनी पड़ेगी। कंटेनर, एक नेव बार के अंदर रिवर्स, फिर कंटेनर बनाया, फिर नेव बार हेडर लगाया, फिर उसके अंदर आइकन्स वगैरह जो भी आपने लिखने हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपने खुद लिखना होता है। कोडिंग तो खुद करनी है ना, कोडिंग का तरीकाकार तो खुद सीखना है ना। ऐसे ही देखें नेव बार लगी, ऑटोमेटिकली कलर इसका यही होता है, बाकी आप चेंजेस भी कर सकते हैं। नेव बार ड्रॉप बॉक्स में शो करवानी है, पॉपअप में करवानी है, ये आपकी मर्जी है, वो क्लासेस से सीखा जा सकता है। हाँ जी, ये आप लोगों का बूटस्ट्रैप था, बूटस्ट्रैप की जो है चीजें,